डिस्क ब्रेक को कैसे लगाया जाता है और डिस्क ब्रेक को कैसे मिलाया जाता है हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसको पहले हम खोल लेंगे। ये चीज़ पीछे की तरफ रहेगा, ऐसे लगा लेंगे। सेंटर लेके इसको हम टाइट कर देंगे। ऐसे में हम पीछे का भी नट लगा लेंगे। इसको हम फोल्ड टाइट कर देंगे। फिर ये जो वायर है ब्रेक वायर, हम इसको इसमें डालेंगे ऐसे, इस नट को लूज करके इसमें डाल देंगे। फिर इसको हम फुल टाइट कर नॉर्मल टाइट कर देंगे, ठीक। फिर ये नट अपना ये वाला नट और ये वाला नट हम लूज कर लेंगे दो स्टेप लूज कर लेंगे, ये थोड़ा फ्री हो जाना चाहिए। फिर हम इसमें देखेंगे यहाँ पे कि जगह कितना है, गैप कितना है। ये जो है गैप, थोड़ा सा प्ले रहना चाहिए जिससे टायर फ्री रहे। फिर इस तरफ का जो नट है इससे ब्रेक पैड हम मिला सकते हैं। इसको लूज करेंगे तो ब्रेक पैड लूज हो जाएगा, जगह हो जाएगी ज़्यादा इसमें, और इसको टाइट करने से ये नट मिलाने के काम में आता है डिस्क ब्रेक, और ये वायर का नट दो मेन है। फिर हम इसके बाद ये वायर, फिर हम साइकिल को घुमाएंगे। साइकिल को ऐसे उठा कर घुमाएंगे, फिर हम हल्का सा ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे पकड़ के रखेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे इसको, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब हम ब्रेक छोड़ देंगे, ब्रेक छोड़ने के बाद थोड़ा सा और टाइट करेंगे। उसके बाद टाइट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसमें गैप कितना बचता है, डिस्क ब्रेक में जगह है कि नहीं है, डिस्क ब्रेक ब्रेक पैड से टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए तो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लूज करेंगे। जब ये इस साइड वाले से ये जो नट है इसको हम लूज करेंगे तो ये जो ब्रेक पैड है ये इस साइड आएगा, ये जो इधर इतना जगह है, तो उससे हमारा क्या होगा, जो डिस है डिस्क को ब्रेक पैड छोड़ देगा। थोड़ा सा हमने लूज किया, देखिए ज़्यादा हो गया। अब हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे जिससे थोड़ी दूरी रह जाए ब्रेक पैड के, और फिर हम इसको ये देखिए अभी काफ़ी जगह ज़्यादा जगह है ब्रेक पैड और डिस्क के बीच में, हम थोड़ा सा टाइट करेंगे इस साइड से हम टाइट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचता है, फिर हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम व्हील को अपने एक बार घुमाएंगे,
ठीक है। फिर उसके बाद अब इस तरफ देखेंगे, जैसे कि आप इसमें ज़्यादा गैप दिख रहा है, इस साइड वाले ब्रेक पैड में आपको काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा होगा डिस और ब्रेक पैड के बीच में। ये देखिए आपको दिख रहा है इतना गैप है, ये आपको यहाँ पे इसके बाजू में दिख रहा होगा। फिर उसके बाद हम इस वायर को पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, फिर यहाँ हम थोड़ा सा देखते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ ऐसे आपको यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा टाइट करेंगे, इसको लूज करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देखिए ब्रेक पैड के पास आ रहा है, ये देखिए अप डाउन हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए टच हो रहा है फिर साइड हो जा रहा है। तो इतना हम टाइट करेंगे, थोड़ा सा गैप रहे इसमें, थोड़ा सा जगह रहे, फिर हम उसको इधर से टाइट कर देंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद हम इसको घुमा लेंगे, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, फिर इसको हम मिलाएंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ कर देंगे इसको, क्योंकि टच उसी तरफ हो रहा है। अब देखिए कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। अब हमारा डिस्क देखिए कंप्लीट सेटअप हो गया है, ये देखिए दोनों साइड डिस्क में आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है, नॉर्मली इतना रहना चाहिए। देखिए इस साइड में इतना गैप है डिस्क और डिस्क पैड से, और इस साइड भी इतना जगह है, थोड़ा जगह रहना चाहिए जिससे ब्रेक पैड डिस्क में टच ना हो। ठीक है, डिस्क मशीन हमारा सेट हो गया।